अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं चिकन का पुलाव। जी हाँ, बिल्कुल चिकन पुलाव बन रहा है, लेकिन थोड़ा चटपटा और मसालेदार बन रहा है। क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं और किस क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है ये नोटिस कर लीजिए कि मेरे पास तकरीबन आधा किलो से थोड़ी ज़्यादा चिकन है। साथ में मैंने ये तकरीबन 6 छोटी हरी मिर्चें लेकर इनको इस तरह से चॉप कर लिया। कड़ी पत्ते लिए हैं मैंने 2, ये ऑप्शनल है, अगर मिल जाते हैं तो यूज़ करें, नहीं तो कोई मसला नहीं। 2 छोटे टमाटर हैं मेरे पास, इनको मैंने इस तरह से चॉप कर लिया। बे लीफ, तेज पत्ते, ये 2 अदद हैं। ड्राई गरम मसाले में इसमें मैंने लिए हैं बादियान के फूल, 4 अदद साबुत लाल मिर्चें, ज़ीरा, 2 बड़ी इलायची हैं, लौंग है, और साथ में दालचीनी स्टिक्स हैं, ठीक है। ये दही है मेरे पास, ये 1 कप है। लहसुन अदरक का पेस्ट 3 टेबल स्पून। तेल मेरे पास 1 कप है। प्याज 1 बड़ी मैंने फाइनली चॉप कर ली। सेला चावल तकरीबन मेरे पास है 3 कप, इनको मैंने डेढ़ घंटा हो गया अब इस वक्त ये भीगे हुए हैं, जब तक मसाला तैयार होता है ये भीगे रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। है तेल मैंने इसमें शामिल कर दिया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तेल थोड़ा गर्म हो गया है, मैं इसमें प्याज शामिल करूँगी। प्याज को मैं गोल्डन ब्राउन करके निकाल लूँगी, थोड़ी प्याज इसमें रहने दूँगी, तो मैं इसको गोल्डन ब्राउन करके, फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। देखिए प्याज मेरी हो गई है गोल्डन, मैं इसको निकाल रही हूँ। ठीक है, इतनी प्याज मैं रहने दूंगी। इस स्टेज पे हम इसमें शामिल करेंगे तेज पत्ता, करी पत्ता और शामिल करने के बाद खुशबू आ जाएगी मसाले की। आंच को स्लो कर रही हूँ, साथ ही मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। अब मैं ये हरी मिर्च शामिल कर दूंगी और ये टमाटर शामिल कर दूंगी, मसाला बनाऊंगी अच्छी तरीके से। साथ ही में मैं चिकन शामिल कर दूँगी ताकि ये प्याज अदरक लहसुन टमाटर के साथ खूब अच्छे तरीके से भून जाए, फिर हम दही के साथ इसको भूनेंगे और ये तमाम मसालों की खुशबू जो है वो इसमें आ जाए। इस स्टेज पे हम इसमें नमक शामिल करेंगे। अब नमक हल्दी जायका, मैं अभी कम कर रही हूँ नमक, फिर जब मैं चावल शामिल करूँगी तो चक्कर फिर मज़ीद नमक शामिल कर दूँ। इसको इतना फ्राई करना है प्याज के साथ कि थोड़ी सी इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए, कलर चेंज करता है, थोड़ा सा गोल्डन होता है, फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। इसको खाने के साथ अब हम इसमें दही शामिल करेंगे। अब दही को इतना भूनेंगे कि साइडों में तेल आ जाएगा, फिर हम इस पर पानी शामिल करके थोड़ा सा चिकन को ढकेंगे ताकि चिकन हमारी टेंडर हो जाए, फिर हम इसमें चावल शामिल करेंगे। मैं इसको भूनती हूँ दही के साथ, आगे आपको दिखाती हूँ। मसाले के साथ भूनते हुए तकरीबन इसको 10 मिनट हो गए हैं और अब जो है ये अच्छे तरीके से भुन गया है। देखिए चिकन ने अपना कलर भी चेंज कर लिया है और इस वक्त बहुत प्यारी खुशबू आ रही है किचन में। तो अब हम ये करेंगे, इसमें पानी शामिल कर देंगे। पानी में तकरीबन 3 कप शामिल करूंगी। और इसको थोड़ी देर ढक दूंगी, इसको मैं ढक दूंगी ताकि जो चिकन है वो थोड़ी सी टेंडर हो जाए, हमें ज़्यादा नहीं गलाना क्योंकि ये चावल के साथ भी गलेगी। तो इस स्टेज पे मैं इसको कवर कर रही हूँ, आंच को कर रही हूँ मीडियम, और उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा टेंडर करने के बाद फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। 10 मिनट हो गए हैं, बस इतना ही काफ़ी है क्योंकि ज़्यादा चिकन गल जाएगी तो फिर वो टूटेगी चावलों में। तो हम ये करेंगे कि अब इसमें हम ये चावल शामिल कर देंगे। चावल का पानी मैंने निकाल लिया था,
और चावल क्योंकि भीगे हुए हैं तो इस वक्त हम इसको जो है बॉईल आने तक कवर नहीं करेंगे, ठीक है। इसको हम पकाएंगे और इसका पानी ड्राई करेंगे क्योंकि चावल भीगे हुए हैं, तो मैं इसको बॉईल आने के बाद आपको आगे दिखाती हूँ। इस स्टेज पे मैंने जो है नमक चखा है, मुझे नमक थोड़ा सा कम लग रहा है चावलों के हिसाब से, तो मैं थोड़ा सा नमक शामिल कर रही हूँ और इसको बॉईल आने का वेट कर रही हूँ। देखिए मैंने इसको जो है वो बिल्कुल कवर नहीं किया था, पानी इसका ऑलमोस्ट ड्राई हो गया है और मैं बिल्कुल पानी ड्राई करने के बाद इसको जब थोड़ा सा इसमें पानी रह जाएगा तो हम इसमें कलर शामिल करेंगे, जर्दे का रंग, ऊपर तली हुई प्याज और हरा धनिया। अभी मैं इसका बिल्कुल मुकम्मल पानी खुश करती हूँ, दम वाली पोजीशन पे जब आते हैं फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। पानी खुश हो गया है, अब यहाँ पर मैं आंच बिल्कुल स्लो कर दूँगी। तली हुई प्याज थोड़ी सी मैंने बचा ली है गार्निश के लिए, आंच मैंने बिल्कुल स्लो कर दी है। अब इस वक्त ये दम पर पकेंगे, ठीक है। थोड़ा सा हरा धनिया और अच्छी खुशबू आती है इससे, और ये मैंने थोड़ा सा जर्दे का रंग पानी में घोल के रखा हुआ था, ये थोड़ा थोड़ा मैं शामिल कर दूँगी, ठीक है। और इसको ढकेंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए, स्लो आंच पे ये पक रहे हैं। मैं फिर आपको आगे दिखाती हूँ इसको डिश आउट। 15 मिनट धीमी आंच पे दम लगते हुए हो गए हैं, अब हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको चेक करते हैं। चावल गल चुके हैं, देखिए चावल गल चुके हैं, बस मैं अब इसको डिश आउट करती हूँ और फिर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। पुलाव को मैंने डिश आउट कर लिया है, तैयार है हमारा मसालेदार चिकन पुलाव। मेरी रेसिपी से इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, मुझे अपना फीडबैक दीजिए। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली तमाम न्यू रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।